तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रक्तदान शिविर में पहुंचे हैं। सेक्टर 9 में आप देख सकते हैं कृष्ण कृपा धाम में आज यहां पर पहुंचे हैं। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। देखिए यहां पहुंचने पर उनका किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जो है ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ज्ञानानंद महाराज भी जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। दोस्तों लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं और देखिए ज्ञानानंद जी महाराज वो भी यहां पर साथ में है और जगमोहन आनंद साथ में है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में है पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता जो है आप देख सकते हैं, करनाल की भी पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता भी साथ में है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं कृष्ण कृपा धाम में आज रक्तदान शिविर में यहां पर पहुंचे हैं और साथ में आप देखिए ज्ञानानंद जी महाराज भी यहां पर मौजूद हैं, रेणुबाला गुप्ता यहां पर हैं, ब्रिज गुप्ता हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ज्ञानानंद जी महाराज रक्तदान शिविर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देख लीजिए रक्तदान शिविर कार्यक्रम में सेवा प्रेरणा दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, ज्ञानानंद जी महाराज हैं, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी यहाँ पर रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो लाइव तस्वीरों में देख लीजिए रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ज्ञानानंद जी महाराज और यहाँ पर अब देखिए जो रक्तदाता हैं उनसे मिलते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, लाइव तस्वीरें देखिए रेणुबाला गुप्ता हैं। अपील रहेगी वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपील करूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लाइव तस्वीरों में देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं। दोस्तों रक्त देना हमें बहुत ज़रूरी है और इससे हम किसी की जान बचा सकते हैं, इसलिए देखिए रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ज्ञानानंद जी महाराज पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, अपील रहेगी वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अब मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ज्ञानानंद जी महाराज हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता हैं। लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वो आज रक्तदान शिविर में पहुंचे हैं और देख सकते हैं थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए, क्योंकि थैलीसीमिया से बहुत ज़्यादा बच्चे पीड़ित हैं और उसी की मदद के लिए, बच्चों की मदद के लिए जो है ये इस रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया है। आप देख सकते हैं सभी भाजपा के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता को भी आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और चर्चा करते हुए यहां पर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीरों में आप यहां पर देख लीजिए, अपील करूंगा वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो देख लीजिए किस प्रकार से यहां पर स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत करते हुए सभी ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरों में आप देखिए संस्था की तरफ से जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। रक्तदान शिविर में पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लाइव तस्वीरें देखिए सभी से मिलते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो मैं देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रसाद है वो यहाँ पर ज़रूर दिया जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रसाद दिया जा रहा है लाइव तस्वीरों में। सेवा सद्भावना दिवस के रूप में जो आज आपने यहाँ रक्तदान शिविर सेवा के कुछ प्रकल्प रखे हुए हैं और साथ साथ भजन भाव, हमारा भी स्वाभाविक कुछ मिनटों के लिए आने का योग बना कर्मठ और सेवा सद्भावना के पर्याय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का
स्वाभाविक ही आगमन कोई ऐसा पूर्व निर्धारित ऐसा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन वो केवल अपनी सेवा सद्भावना जो आज है, सेवा सद्भावना दिवस के रूप में आपने रक्तदान शिविर और सेवाओं के रखते हैं उसी निमित्त से आज उनका भी आगमन हुआ। बस एक मिनट की वो शुभकामनाएं देंगे। और ये आप सब जानते ही हैं कि वैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं और करनाल के साथ भी अब उनका जुड़ाव हुआ है। तो निश्चय उनकी सेवा सद्भावना आपके साथ और आपके आपकी सद्भावना उनके साथ निश्चित रूप से रहेगी। श्रीनाथ एक मिनट के लिए शुभकामनाएं नायक जी को। जय श्री कृष्ण। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज जो मानव साधना दिवस के अवसर के ऊपर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप सबके इस अवसर के ऊपर दर्शन करने का मुझे मौका मिला है। आज इस अवसर के ऊपर जिनके देख रेख में, जिनकी रहनुमाई में लगातार मैं कुरुक्षेत्र के अंदर काम करता रहा हूँ और अब जिन्होंने आदेश किया है कि उससे पहले नारायणगढ़ में, फिर आदेश कर दिया कुरुक्षेत्र में, अब आदेश करती है करनाल में, ऐसे हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूँ दिल से। आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके बीच में आ जाने का मुझे अवसर मिला है और आज एक महत्व दिन भी है। आज नवतम का दिन है, प्यार का दिन है, आज मातृत्व दिवस है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और 25 मई को, हाँ 15 मई को आदरणीय परम श्रद्धे ज्ञानानंद जी महाराज उनका अवतरण दिवस है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत कुछ सीखने को, जानने को हमें मिला है। हम देखते हैं कुरुक्षेत्र में जो गीत अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जब से आदरणीय महाराज जी ने उसकी दिशा को ठीक किया, तो दिशा ठीक होते ही लाखों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर के ऊपर लोग कुरुक्षेत्र में एकत्र आते हैं। लगभग 15 दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव एक सप्ताह चलता है, परंतु अन्य कर्मों को अगर जोड़े तो वो 15 दिन के करीब लोगों का उन कार्यक्रमों के अंदर आगमन रहता है। लाखों की संख्या में लोग देश विदेश से उस पवित्र भूमि को नमन करने के लिए आते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश, गीता का संदेश दिया। हमारे लिए और भी परम सौभाग्य की बात ये होती है कि कुरुक्षेत्र में नहीं, ये पूरी दुनिया के अंदर इसका फैलाव हुआ है। और परम श्रद्धे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के
सानिध्य के अंदर, आज कनाडा जैसी असेंबली के अंदर भी गीता वहाँ पवित्र ग्रंथ रखा गया है, इंग्लैंड जैसी असेंबली के अंदर भी इंग्लैंड जैसी असेंबली में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों पर अत्याचार किया, इस भारत भूमि को नोचा, उस असेंबली के अंदर भी साधे ज्ञानानंद जी महाराज को गीता को स्थापित किया, ये हमारे भारत के लिए आज दुनिया में लोग गीता के अनुसार चल रहे हैं, हमारी संस्कृति हमारे संस्कार है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, और एक अपील भी आप लोगों से करूँगा, करूँ महाराज जी अपील महाराज जी बैठे हैं और मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ, मनोहर लाल जी ने हरियाणा को आगे बढ़ाने में गजब का काम किया, जब से हरियाणा बना है किसी मुख्यमंत्री ने इस सोच के आधार के ऊपर काम नहीं किया जिस सोच को लेकर के मनोहर लाल जी ने काम किया। एक ऐसा सिस्टम हरियाणा के अंदर उन्होंने खड़ा किया कि जिसका अंतिम पायदान के ऊपर खड़ा व्यक्ति जो छूट जाता था, जिसकी तरफ कोई सरकार का तो क्या आम व्यक्ति का भी ध्यान नहीं जाता था, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम योजनाबद्ध तरीके से मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर करा दिया, उस तक लाभ पहुंच रहा है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंच रहा है। और गुड गवर्नेंस का अगर हम उदाहरण देखें पूरे देश के राज्यों का आंकलन करें, जब आप आंकलन करेंगे तो हरियाणा नंबर एक के ऊपर नजर आएगा, नंबर एक उस सिस्टम के आधार के ऊपर वो काम को आगे बढ़ाया है। और मैं अपील करूंगा कि सबसे बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से मनोहर जी जीत करके जाएं और आपके चरणों में हम आए हैं, वो बाकी तो कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आप सबका आशीर्वाद और आप सबका प्रणाम करने के लिए आज यहाँ पर आया था, और उन कामों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो भी महाराज जी के दिशा निर्देश होंगे उसके अंदर हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सब अपना आरती वगैरह कर लेंगे क्योंकि नायक जी को आगे जाना और एक मिनट रक्तदान शिविर में जो रक्तदाता है उनको शुभकामनाएं देके उन्हें जाना आप सकेंगे। आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे, सेवा भाव से एक कार्यक्रम थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों के लिए यहाँ रक्तदान शिविर जो गीता की तरफ से, और जिस तरह से आपने देखा कि युवाओं ने बड़े जोर शोर से इसमें भागीदारी ली, रक्तदान किया, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने स्वयं यहाँ पर आकर हौसला भी बढ़ाया, शिरकत भी करी, पूज्य श्री महामंडलेश्वर गीता मुनिषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा से न केवल अध्यात्म में बल्कि मानसिक आधार पर भी और सेवा के आधार पर भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसमें युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि समाज में आकर सामाजिक मुख्य धारा के साथ जोड़कर लोगों के साथ मिलकर सेवा करें। क्या अपील करेंगे, रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए? बिल्कुल, हमें रक्तदान हमारा दायित्व भी बनता है, और समाज में जिस तरह से हमारी घटनाएं घटती है या थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों को इसका रक्त का कोई विकल्प नहीं होता,
ये केवल मानव से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए मानव आधार पर, मानवता के आधार पर इसे जरूर दान करना चाहिए, लोगों की सहायता जरूर। मैम, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर डोर टू डोर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? दायित्व बनता है, जिस तरह के संगठन ने जिम्मेदारी सौंपी है, निश्चित तौर पर जनता का प्रेम प्यार पा रहे हैं और जनता का प्रेम आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी भी है, और इसी आशीर्वाद के लिए वो लोगों से संपर्क साध रहे हैं।